आपको शायद पूरी तरह से पता ना हो, लॉ में एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है एडवर्स पोजेशन का, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी दूसरा इंसान आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम एग्जर्ट कर सकता है, बोल सकता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, सेइंग कि मैं इस पे कंटिन्यूअसली रह रहा हूँ, इट इज इन माय कंटिन्यूअस पोजेशन और ये इतने पीरियड के लिए मेरे पास है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एडवर्स पोजेशन का, ये आज हम देखेंगे कि क्या स्टेट यानी गवर्नमेंट भी लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर एडवर्स पोजेशन क्लेम कर सकती है या नहीं। ये रीसेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अमन लाल का। इसमें देखेंगे कि कोर्ट ने किस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि स्टेट किस तरह से एक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो यहाँ पर जो हम केस देख रहे हैं उसके फैक्ट्स क्या है। एडवर्स पोजेशन, मैंने जैसे आपको बताया कि एडवर्स पोजेशन में आप किसी की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हो। अब इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग ये 12 इयर्स का टाइम पीरियड होता है कि अगर आप 12 इयर्स के लिए कंटिन्यूअस पोजेशन में हो प्रॉपर्टी की, तो वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई और ओनर ने आपका कोई टाइटल डिस्प्यूट नहीं किया है। और 30 इयर्स होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट केसेस। अब यहाँ पर जो प्राइवेट पार्टीज इन्वॉल्व है, इन्होंने एक सूट फाइल करी थी 1981 में कि इनका एक लैंड था जो कि NH-10 पे था, भादौरगढ़ एरिया में। अब इनका ये कहना था कि जो हरियाणा PWD है उन्होंने इस लैंड को अक्वायर किया हुआ है पिछले 3.5 साल से और इनको बोला जाए इस लैंड को वकेट करने के लिए। काफी रिक्वेस्ट करी गई, लेटर्स लिखे गए, बट they did not, the state did not vacate the land. Then further legal notice भी भेजा गया section 80 of the CPC के अंदर। section 80 of the CPC बोलता है कि अगर आपको कोई legal notice भेजना है किसी government authority को, तो वो आप CPC के अंदर भेजते हो, ना कि जो हम regular legal notices भेजते हैं। अब state ने यहाँ पर बोला कि वो इस land के continuous possession में है for over a century, तो adverse possession के law से ये land उनका हो गया। तो trial court के सामने जब ये matter आता है, तो trial court क्या बोलता है, सब डिविजन जज के सामने ये मैटर जब गया रोहतक में, तो उनका ये कहना था कि डिफेंडेंट ने ये प्रूव नहीं किया है कि वो ओनर बन गए हैं बाय एडवर्स पोजेशन, जस्ट बाय सेइंग कि हमने ड्रम्स लगा दिए हैं बिटुमेन के या बाउंड्री वॉल की कंस्ट्रक्शन करी थी, इसका मतलब ये नहीं है आप एडवर्स पोजेशन में। एडवर्स पोजेशन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, हॉस्टाइल होती है। और यहाँ पर जो आपकी पोजेशन थी इन लोगों की, जो स्टेट की, डिफेंडेंट यहाँ पर हो गया स्टेट, स्टेट की जो पोजेशन थी वो हॉस्टाइल नहीं थी, वो बस एक परमिसिव पोजेशन थी कि उनको अलाउ किया जा रहा था रहना। यहाँ पर एडवर्स पोजेशन में आप बिल्कुल क्लेम कर लेते हो सामने वाले की प्रॉपर्टी बिना उनके परमिशन के, हियर इट वॉज परमिसिव। और साथ में ये भी बोला गया, क्योंकि डिफेंडेंट का ये कहना था, स्टेट ने बोला कि प्लेंटिफ का कोई लोकस नहीं है ये मैटर, ये सूट फाइल करने का, बिकॉज वो ओनर ही नहीं है इस प्रॉपर्टी के। हाउएवर ट्रायल कोर्ट ने बोला कि वो बिल्कुल ओनर है, जमाबंदी जो है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो दिखाते हैं कि यही लैंड ओनर है। तो अब जब ये केस जाता है फर्स्ट एपेलेट कोर्ट के सामने, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके सामने जब केस जाता है, तो वो इस जो फाइंडिंग्स है ट्रायल कोर्ट की उसको रिवर्स कर देते हैं और स्टेट के फेवर में कंक्लूजन देते हैं कि स्टेट ही ओनर है। साथ साथ ये भी बोलते हैं कि ये जो प्राइवेट पार्टीज हैं, पिटिशनर्स हैं, ये लैंड ग्रैबर्स हैं और इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसा फर्स्ट डिविजनल कोर्ट ने बोला, फर्स्ट एपेलेट कोर्ट ने बोला। अब मैटर आया हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट ने बोला कि पहली बात तो जब यहाँ पर स्टेट बोल रही है कि उनके पास एडवर्स पोजेशन है, ये बोलना ही इंप्लाई करता है कि वो मान रहे हैं कि टाइटल जो है वो प्लेंटिफ का था, यानी टाइटल इन प्राइवेट पार्टीज का था, क्योंकि आपने बोला है कि आपके पास ये एडवर्स पोजेशन से आया है, सो आप उनका टाइटल टू प्रॉपर्टी मान रहे हो। तो ये कह ही नहीं सकते कि स्टेट इज डिनाइंग द टाइटल। आप ये नहीं बोल सकते कि यू नो बीइंग अ स्टेट, आपको इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करते हो, और अगर आप एडवर्स पोजेशन करने लग जाओगे अगेंस्ट योर ओन सिटीजन, तो फिर लोगों का जो ट्रस्ट है आप में वो खत्म हो जाएगा। तो स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, स्टेट कैन नॉट क्लेम प्रॉपर्टी। फिर साथ साथ ये बोला गया कि डिफेंडेंट ने स्पेसिफिकली टाइटल डिनाई नहीं किया है। जो हमने यहाँ पर बोला कि एडवर्स पोजेशन की प्ली ली, तो कहीं ना कहीं वो अग्री कर रहे हैं कि टाइटल जो है वो प्लेंटिफ का था। तो अगर आप कुछ भी स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते हो, तो ऑर्डर 8 रूल 5 ऑफ द CPC कहता है कि उसको मान लिया जाएगा कि आपने वो फैक्ट एडमिट कर लिया है। प्लस पोजेशन जो यहाँ पर है वो परमिसिव है, जो कि इन रिकॉर्ड्स के थ्रू पता लगती है, ये पोजेशन आपको परमिसिवली दी गई है, तो एडवर्स पोजेशन आप इसको नहीं कह सकते हो। और यहाँ पर बोला गया कि क्योंकि फर्स्ट एपेलेट कोर्ट ने ये बोला था कि प्लेंटिफ के ऊपर है ये प्रूफ करना, ये दिखाना कि उनका टाइटल है, बट हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि फर्स्ट एपेलेट कोर्ट की ये गलती है कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ उन्होंने प्लेंटिफ पर डाला, ये उन्होंने सही नहीं किया और एविडेंस जो सामने था उसको ठीक से अप्रिशिएट नहीं किया। तो सेक्शन 100 के अंदर जहाँ पर
पावर होती है सेक्शन 100 सीपीसी में कि आपको एविडेंस को रिकंसिडर कर सकते हो, तो ये पावर यहाँ पर एक्सरसाइज करी गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कि हम इस प्रेजेंट केस में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कहता है कि एपेलेंट जो है, क्योंकि उन्होंने ओनरशिप डिनाई नहीं करी है प्रॉपर्टी की, इंस्टेड उन्होंने एडवर्स पोजेशन का प्ली लगाई है, तो अंडर ऑर्डर 8 रूल 5 जो हमने बात करी थी ऊपर, यहां पर एलिगेशंस ऑफ फैक्ट जो डिनाई नहीं करे गए हैं स्पेसिफिकली, दे आर डीम्ड टू बी एडमिटेड। फर्दर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको मेंटेन करते हैं और उसको सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर माना जाता है कि वो करेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एज एविडेंस लिया जाएगा। और क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है वो जमाबंदी जो है वो अमिन लाल के नाम पे थी, तो ये दिखाता है कि ये लोग ही उस प्रॉपर्टी के ओनर थे। रिस्पोंडेंट्स यानी यहाँ पर जो है अमिन लाल है और उनके फर्दर उनके बाद, क्योंकि अमिन लाल हैज डिसीज्ड, सो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रोड्यूस कर चुके हैं रजिस्टर्ड सेल डीड और म्यूटेशन रिकॉर्ड्स जो कि उनके नाम में एग्जिस्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट से एस्टैब्लिश होता है कि टाइटल उनके पास था, चेन ऑफ टाइटल एस्टैब्लिश होती है और उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता, जहां पर दिखता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इनिशियली वो अमिन लाल के पास ही थी। तो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट का ये कहना कि वो लैंड ग्रैबर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है वो शायद झूठ है, ये सिर्फ एक कंजेक्चर है, ये प्रूव नहीं कर पाया है एविडेंस के बेसिस पे। फर्स्ट एपेलेट कोर्ट ने ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिना एविडेंस को देखे ये ऐसी बोल दिया है, ये बिल्कुल गलत है। इट इज अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल, जब सूट फॉर पोजेशन होती है टाइटल के लिए तो प्लेंटिफ को ओनरशिप एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, ये हमें पता है। बट जहां पर बात आती है कि एडवर्स पोजेशन की, जहां पर प्लेंटिफ ने उनके टाइटल को डिनाई नहीं किया बल्कि एडवर्स पोजेशन क्लेम किया है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ यहां डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है टू शो कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। और साथ साथ कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है कि स्टेट जो है वो एडवर्स पोजेशन नहीं क्लेम कर सकती है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सिटीजंस। अगर हम विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी की जो जजमेंट है, ये 2020 में जजमेंट आई थी, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते आए हो तो ये जजमेंट हमने कवर करी थी। इससे पहले भी जजमेंट आई थी एक मुकेश की, जहां पर बोला गया था कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये सिर्फ स्टैट्यूटरी लीगल राइट नहीं है, ये साथ साथ एक ह्यूमन राइट भी है, आप किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो ऑफ देयर प्रॉपर्टी। यहां पर कोर्ट ने बोला कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है जैसे इंडिया है, दे आर गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, और स्टेट ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि सिटीजन्स को बिना लॉ के दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी। स्टेट को कंप्लाई करना चाहिए विद प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन रिक्विजिशन और जो भी अदर स्टैट्यूटरी मोड है। स्टेट अगर ऐसा करेगी तो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो वायलेट होगा, प्लस लोगों का जो ट्रस्ट है स्टेट में वो नहीं रहेगा। स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, दे कैनॉट टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स सिटीजंस, एंड ऐसा करने से अगर स्टेट इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट करेगी तो लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ट्रस्ट है गवर्नमेंट में वो कहीं का नहीं रहेगा। देन ऑब्जर्वेशन में फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि अगर एपेलेंट ऐसा कह रहा है, स्टेट ऐसा बोल रही है कि बिटुमिन ड्रम्स लगाए गए, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स लगाए गए, बाउंड्री कंस्ट्रक्शन करी गई 1980 में, ये चीजें एडवर्स पोजेशन नहीं दिखाती हैं। एडवर्स पोजेशन जैसा कि मैंने पहले बोला, इट हैज टू बी हॉस्टाइल। यहां पर ये फर्दर बोला गया कि हाईकोर्ट ने जो बोला कि फर्स्ट एपेलेट कोर्ट ने मटेरियल एविडेंस को इग्नोर किया है, लीगल प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया है, तो हाईकोर्ट का ऐसा बोलना बिल्कुल सही था। एंड हाईकोर्ट ने अगर एविडेंस को रीअप्रिशिएट करा है अंडर सेक्शन 100 ऑफ द सीपीसी, तो हाईकोर्ट ने कोई भी अपनी, इट हैज नॉट ओवरस्टेप्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके नहीं काम किया है, बिल्कुल सही काम किया है। और यहाँ पर कोर्ट ने क्लियरली फिर बोला, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी में देखा, कि स्टेट कैन नॉट क्लेम एडवर्स पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स प्राइवेट सिटीजंस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आप सभी को, यू नो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, या आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हो, ये जजमेंट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स जो हैं हम लेके आते हैं, ऐसी अपडेट्स हम कवर करते रहते हैं अपने चैनल पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, तो मेक श्योर आप हमें दोनों जगहों पे फॉलो कर रहे हैं ताकि यू स्टे अपडेटेड विद द लॉ। फर्दर अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए रेलिवेंट है। एंड अगर आप किसी भी अपने लॉ एग्जाम के लिए कुछ डाउट क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू अस। हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं और हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे अवेलेबल है।